पिज्जा तो बच्चे लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और ये बाजार से आप लोग मंगा के खाते हो हमेशा। कभी एक बार आप लोग घर पर भी ट्राई कीजिएगा। तो आज हमने पिज्जा बनाया है, वो भी बिना ओवन का और बिना ईस्ट का। तो हमने गैस पर बनाया है, तो चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं कैसा बनते हैं पिज्जा। नमस्कार, शिप्रा गारू होममेड फूड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होममेड पिज्जा बनाने के लिए हमने ले लिए हैं मैदे। मैदा हमने ले लिए है, 1 कप मैदा लिया है। अभी हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। हमने डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक। अभी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, ये हम डाल दिए हैं। और हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, ये ऑयल हम डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून। और हमें लगेगा ये, और हम डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिए हैं। और हम डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून खाने का सोडा, ये हम डाल दिए हैं। और हमें लगेगा ये 2 टेबल स्पून हमने दही लिए हैं, ये हम डाल लिए हैं। अभी हम सब चीज़ डाल दिए हैं। अभी ये सब को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके हम एक डो बना लेते हैं, ऐसा ऐसा एकदम नरम करके डो बनाना है। सख्त डो नहीं लगाना है, पिज्जा का डो नरम ही बनता है, तो नरम करके लगाना है। तो इसमें पानी लगेगा, तो हम ऐड करेंगे थोड़े से पानी। तो ये आप देख सकते हो थोड़े से पानी हमें लगेगा। ये लगा के हम अच्छी तरह मैदा को ऐसा घूम के ले लेते हैं। ऐसा एकदम सॉफ्ट तो नहीं बनाना है, नरम डो बनाना है। पिज्जा का डो नरम ही बनता है, ये आप देख सकते हो। इसी तरह बनाना है, देखिए एकदम नरम है डो, इसी तरह बनाना है। अभी हम अच्छी तरह ये लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसी तरह नरम करके हमने डो बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये डो को हम ट्रांसफर करके ले लेंगे एक बड़ा सा थाली में। ये देखिए एक बड़ा सा थाली ले लिए हैं, ये थाली रखा है। और इसमें हम थोड़े से मैदा ऐसा ड्रश कर देते हैं, ये देखिए ड्रश कर दिए हैं। अभी हम ये जो डो है ये ट्रांसफर करके ले लिए हैं इसमें। तो ये ले लिए हैं। ये लेने के बाद इसे हमें अच्छी तरह गूंदना है, ऐसा करके गूंदना है। ये देखिए ऐसा ऐसा करके गूंदना है। ये हाथ में ऐसा लगेगा, लेकिन तभी ये डो अच्छा बनेगा। आपका हाथ में ऐसा चिपक रहा है, अच्छी बात है, चिपक रहा है, ऐसा चिपकना चाहिए। देखिए ऐसा चिपकना चाहिए, बाद में ये हाथ से निकल जाएगा। ऐसा डो आप घूमते घूमते ऐसा 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 करने का, ऐसा लंबा खिलाने का, आप देख सकते हो इसी तरह। इसी तरह करके लेना है हमें, ऐसा घूम के ऐसा अच्छी तरह घूम के लेना है। तो ये आप देख सकते हो ये हाथ को ऐसा ऐसा लंबा ऐसा ऐसा लंबा फैलाना है, तभी ये मैदा अच्छी तरह घूम के होएगा। और ये हाथ का ये आप देख सकते हो इसके मदद से करना है हमें इसी तरह। देखिए ये हमने ऐसा घूम के ले लिया है, 2-4 बार हमने ऐसा करके ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे हाथ में। ये आप देख सकते हो
थोड़ी सी ऑयल हमने ले लिए है। अभी ऑयल से हम अच्छी तरह ऐसा गूंदेंगे। ऐसा गूंदेंगे तो ये हाथ में मैदा पूरा आ जाएगा, ये थाली में जो लगा हुआ है ये पूरा अपने हाथ में आ जाएगा। ऐसा करके लेना है इसी तरह। तो ये आप देख सकते हो हाथ में जो एकदम चिपक रहा था, अभी थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया तो हाथ में अभी चिपक नहीं रहा है और एकदम नरम डो बन के तैयार हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ऐसा ऐसा गोल करना है इसी तरह, देखिए ऐसा ऐसा गोल करके इसे हम आधा घंटा रेस्ट पे रख देंगे इसी तरह। ये देखिए ये हमने करके ले लिए हैं, ऐसा 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 गोल घुमाते घुमाते, देखिए ये हमने गोल घुमा लिया ऐसा। अभी हम इसमें ऐसा रख देंगे ढक के, आधा घंटा के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो ये आधा घंटा हो गया है डो तैयार करके। तो अभी हम डो को तैयार करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले गैस चालू करते हैं। चलिए गैस चालू करके पहले गैस हमने चालू करके एक कढ़ाई बिछा दिया है और कढ़ाई के अंदर आप देख सकते हो हमने नमक डाल दिए हैं। ये देखिए ये हम केक भी बनाते हैं वही नमक है, हम रखते हैं एक बार बनाने के बाद हम फेंकते नहीं है, उसे रखते हैं बार बार बनाते जाते हैं, एकदम से जो खराब हो जाता है तब फेंकने का, क्योंकि जब तक काम चलता है तब तक चलाने का। तो लेकिन ये अच्छा है, हमने रखा है नमक, नमक हमने रख दिए है। अभी हम इसके अंदर देखिए इसी तरह आप लोगों के पास जाली है तो ठीक है, ऐसा जाली आप रख सकते हो, नहीं तो ऐसा बाटी है घर में तो बाटी भी आप इसी तरह रख सकते हो। तो हम बाटी रख रहे हैं ऐसा, देखिए नमक के ऊपर बाटी रख दिया है। अभी हम एक ढक्कन लगा के फ्री हीट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो ये हमने ढक्कन लगा दिया है ऐसा फ्री हीट करने के लिए। देखिए डो कितना नरम है, एकदम फूक के कितना बड़ा हो गया है आप देख सकते हो। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से मैदा थाली के ऊपर डस्ट करेंगे। ये मैदा हमने डस्ट कर दिए हैं इसी तरह करके, ये डो को हमें थोड़ा सा मसलना है ऐसा इसी तरह, ऐसा मसल के लेना है थोड़ा अच्छी तरह। देखिए इसी तरह थोड़ा सा मैदा का हाथ ऐसा करना है और इसी तरह लंबा करके थोड़ा ऐसा मालिश करके लेना है मैदा को इसी तरह। देखिए एकदम बढ़िया हो गया है नरम। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। इसे हम देखिए ये हमने दो भाग में डिवाइड कर दिए है। तो एक भाग हम निकाल के रख देते हैं ढक के और एक का हम बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे देखिए, इसी तरह मैदा थोड़ा सा ऐसा ये करने का, इसी तरह करके थोड़ा सा मैदा ऐसा फैला देने का और इसी तरह फैला दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, रोटी के जैसा ऐसा गोल 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 हाथों की मदद से ऐसा करते जाने का, स्प्रेड करते जाने का, थोड़ा ऊपर से भी मैदा लगा के इसी तरह गोल करके लेना है हमें। तो रोटी जैसा तो गोल कर लिए है हमने। अभी हम जो थाली में बनाएंगे, ये थाली हम ले लिए हैं, ये थाली के अंदर हम थोड़े से तेल डाल देते हैं, डाल के तेल को अच्छी तरह फैला देते हैं थाली में, मतलब लगा देते हैं अच्छी तरह इसी तरह। ये देखिए ये लगा दिए हैं, लगाने के बाद हमने ये जो रोटी बनाया है ये हम निकाल के इसके अंदर डाल देते हैं इसी तरह। देखिए ऐसा डाल के इसे भी हमें गोल करके फैलाना है ऐसा, देखिए एकदम ऐसा थाली में, पूरे थाली में ऐसा लगा देना है, ये आप देख सकते हो ऐसा एकदम बढ़िया बनता है। देखिए ये हमने लगा दिए हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप वीडियो देखते रहिए लास्ट तक हम कैसा बनाते हैं। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये हमने कर दिए है अभी, तो अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे अभी पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हो। तो कैसा बनाते हैं हम बता रहे हैं, देखिए हमारे पास भी नहीं है, हम भी घर में बना रहे हैं। पहले हम 2 टेबलस्पून ये टोमेटो केचप ये हम ले लिए हैं, देखिए। और इसके बाद हम लेंगे ये रेड चिली सॉस, आप देख सकते हो, ये भी हम 2 टेबलस्पून डाल देते हैं इसमें। ये देखिए ये डाल दिए हैं, डाल के दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला देते हैं, इसी तरह ये मिला दिए हैं। मिला के अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा लगा देते हैं अच्छी तरह, ये ब्रेड के ऊपर पूरा हम लगा देते हैं, यानी कि मैदे के ऊपर, इसी तरह चारों बाजू हम अच्छी तरह लगा देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये चीज़ है ये हम क्रश करके चारों बाजू ऐसा लगा देते हैं इसी तरह, देखिए। ये देखिए इसी तरह फैला फैला के चारों बाजू डालना है, जितना आप दोगे भर के उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए ये इसी तरह चीज़ बाजार में आसानी से मिल जाता है, तो आप लोग ये डाल सकते हो। ये हम डाल दिए हैं, अभी थोड़े से हम ये स्लाइस वाला चीज़ ये भी हम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ये हम ऐसा जगह जगह पे ऐसा काट काट के डाल देते हैं थोड़े थोड़े, देखिए इस तरह। देखिए पूरी है इसी तरह खिला देने का ऐसा। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड करेंगे। वेजिटेबल में हमने लिए हैं एक कॉर्न, शिमला मिर्च और ऑनियन। तो आपके पास लाल वाला ऑनियन है तो आप डाल सकते हो, लाल येलो वाला ऑनियन जो मिलता है वो भी आप डाल सकते हो इसमें ऐसा, इसी तरह हला देने का। देखिए ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है कॉर्न डालने से। अभी तो कॉर्न का सीजन है, आप लोग इसी तरह डाल के बना सकते हो। अभी एक एक शिमला मिर्च हम ऐसा डाल देते हैं, अभी बीच में हम एक एक ऑनियन का स्लाइस भी हम ऐसा डाल देते हैं, देखिए। तो अभी हम इसमें इसके ऊपर डालेंगे ये ओरिगेनो, ये हम डाल देते हैं इसी तरह, ये देख सकते हो इसी तरह पूरा लगा देने का, ये लगा दिया है। और ऊपर से चिली फ्लेक्स, आप जितना स्पाइस खाना चाहते हो वो हिसाब से डालिएगा। चिली फ्लेक्स आपके घर में नहीं है, आप घर में बना सकते हो, वो जो ड्राई किया हुआ जो अक्का लाल मिर्ची रहता है उसे ड्राई रोस्ट करने का, और ड्राई रोस्ट करने के बाद आप मैक्सी में थोड़ा सा उसे घुमा देने का, तो ये चिली फ्लेक्स बन जाता है। तो ये एकदम तैयार हो गया है, अभी हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे बेकिंग के लिए। ये देख सकते हो कढ़ाई हमारा गर्म है, अभी हम खाली रख देते हैं इसके अंदर, गर्म कढ़ाई है धीरे धीरे रखना है। देखिए ये हम रख दिए हैं, रखने के बाद एक ढक्कन हम लगा देते हैं। अभी ढक्कन लगा के थोड़ा सा गैस को मीडियम में करना है, एकदम फुल नहीं, थोड़ा सा मीडियम करना है, करके आप 5-6 मिनट तक रखिए, तभी ये एकदम तैयार हो जाएगा 5-6 मिनट। तो ढक्कन हटा के देखते हैं, ये आप देख सकते हो ये एकदम तैयार हो गया है, और ये 5-6 मिनट टाइम नहीं लगा है, कम से कम हमको टाइम लगा है 25 मिनट। तो आप लोग 25 मिनट तक इसका वेट कीजिएगा, बीच में एक बार आप खोल के देख सकते हो हुआ क्या नहीं, तो वो हिसाब से
आप बना सकते हो, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है हमारा बड़ा है, आपका छोटा भी हो सकता है, टाइम वैसा ही कम ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है, गैस हम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो होममेड पिज्ज़ा हमारा एकदम तैयार हो गया है, आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही बढ़िया है, टेस्टी है। आप लोग घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके खा के हमें बताइए कमेंट करके ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। हमारे साथ हमारा ये रेसिपी देखने के लिए आप सबको शुक्रिया।